हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ। कल मैं लाइव आई थी और वहां पे बोला था कि मैं आज ये वीडियो लाऊंगी कि वो जो फेशियल के ऊपर मैं स्किन टाइप दिखाया है, 5 टाइप्स ऑफ स्किन टोन, तो वो मैं दिखाया। और मैं आज का ये टॉपिक है फेशियल करने के पहले के कुछ जानकारी। जो जानकारी नहीं हो तो आप लोग ठीक तरह से काम नहीं कर सकते पार्लर पे, तो इसीलिए ये आज का ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले, जो लोग ये मेरा चैनल अभी देख रहा है, मुझे अभी देख रहे हैं, मैं हूँ अंजलि और ये चैनल है अंजलिस टच। देखिए, बेसिक कुछ चीज के नॉलेज आपको होना चाहिए ये फेशियल करने के पहले का। देखिए, क्लाइंट सिर्फ फेशियल करने के नहीं, आप पार्लर पे काम, आप पार्लर खुल रहे हो या पार्लर पे काम करने जा रहे हो, तभी ये सब छोटा छोटा चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए। नहीं तो आप काम करने के टाइम आपको वो जो छोटा छोटा चीज वो भूल हो तो आपके पास कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए छोटा छोटा चीज को हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, बट देना चाहिए। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं वो छोटा छोटा कुछ चीज बताऊंगी, आप लोगों को समझाऊंगी कि ये सब बातें जानना चाहिए। जानने के बाद ही आपको काम करने का जो प्रोसेस होगा वो इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को काम करने के टाइम। आप चाहे खुद पार्लर ओपन कीजिए और फिर आप कोई पार्लर पे जाके काम भी कर सकते हैं, तभी ये छोटा छोटा नॉलेज आपको होना चाहिए। स्किन टाइप कौन सा होता है, क्या क्या होता है, आपको तो वो नॉलेज है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तब आप उसका स्किन देख के आपको डिसाइड करना होगा कि उसका स्किन क्या है। इसीलिए तो पहले आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए कि वो स्किन कैसा कैसा होता है। तो ये नॉलेज तो आप पहले ले लीजिए, वो टेस्ट करने के बाद आपको आप आ जाएगा खुद। जो आप किसी को चेहरा देखे तो आप बोल दे सकते हैं कि उसका स्किन ड्राई है कि ऑयली है कि नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ये सब आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए। वो तो पहले का नॉलेज आप ले ली, तो बाद में जब क्लाइंट आपके पास आएगा तब आपको उसका जो चेहरा, उसका जो स्किन टाइप वो देख के आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फेशियल उसके स्किन पे जाएगा। ये सब आपको खुद को तय करना है। तो पहले आप एक बात, जो क्लाइंट आपके पास आएगा उसका एज के हिसाब से आपको फेशियल करना है। आज मैं इस वीडियो में एज के बारे में कुछ बोलूंगी। देखिए, काफी सारा एज के, मतलब वैरायटी ऑफ एज के क्लाइंट आपके पास आएंगे, तो सबको आप फेशियल, एक फेशियल सब पे ऊपर तो नहीं जाएगा, वो एज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फेशियल कौन सा एज के ऊपर जाएगा। मैं आज कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलूंगी कि ये प्रोडक्ट ये एज के जाएगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि कौन स्टार्टिंग आप कौन सा एज के होगा। तो देखिए, 20 20 प्लस से आप शुरू कर सकते हैं, बट फेशियल नहीं, फेशियल करना चाहिए 25 के बाद। 20 के बाद फेशियल, नॉट फेशियल, वो आप क्लीन अप भी कर सकते हैं। तो फेशियल 25 के बाद आप शुरू कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि तभी आप मसाज जो है फेशियल का जो स्ट्रोक मसाज है वो मैं दिखाऊंगी बाद में, हर एक जो मैं प्रैक्टिकल दे दूंगी, वो जो स्ट्रोक है वो मैं एक एक करके आपको दे दूंगी बाद में। तो देखिए, पहले तो जो एज है, एज के हिसाब से टाइम होता है कि ये एज के ऐसे इतना टाइम, मतलब 25 जब एज होगा तब आप लोग उसको
15 से 16-18 मिनट, 20 मिनट नहीं है, हम मसाज कर सकते हैं। बट उसके बाद 30 के बाद और थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा कर सकते हैं। बट 20 जब होगा तब ज्यादा मसाज नहीं, सिर्फ आप क्लीन अप कर सकते हैं। क्लीन अप एक चीज है जो 20 प्लस और वो 18 प्लस भी कर सकते हैं, बट ज्यादा पार्लर पे जाके नहीं, 20 के बाद आप पार्लर पे जाके क्लीन अप कर सकते हैं। वो जो थोड़ा सा मसाज होगा वो कर सकते हैं, बट वो ज्यादातर नहीं, वो 10 मिनट या 5-7 या 10 मिनट ही इनफ है 20 एज का। और उसके बाद आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एज के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। सो क्लीन अप करने के लिए कोई कुछ नहीं चाहिए, प्रोडक्ट, सॉरी आज हम प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, तो आज एज के बारे में थोड़ा सा बात करूं। तो ये होगा, और जिसके फिर सिर्फ एज, ये तो एज हो गया है, और फिर स्किन टोन के हिसाब से आपको वो जो फेशियल है वो चूज करना है, क्रीम को भी चूज करना है, आपको डिसाइड करना है कि उसका क्रीम स्किन के ऊपर कौन सा क्रीम जाएगा। ये तो मैं पहले बोली कि आज मैं वो नहीं बोलूंगी, आज सिर्फ एज के बारे में जो मैं बोल रही थी कि 20 प्लस जब हो जाएगा तब क्लीन अप शुरू कर सकते हैं। 20 एज जो गाल है वो गाल या जो मेल है, मेल को तो स्किन ज्यादा मोटी होते हैं, हम लोगों के जैसा गुलू गुलू नहीं है, उसका तो हार्ड होता है, तो उस वो उसके लिए फेशियल अलग है, मतलब फेशियल का जो स्ट्रोक है वो अलग होगा, और हमारे जैसे नाजुक के लिए अलग है। तो 20 आप गाल आप लोग पार्लर पे जाके फेशियल मत कराइए, आप लोग पार्लर पे जाके बोलिए कि आपको क्लीन अप करना है, क्लीन करना है स्किन को, सो वो लोग आपको क्लीन कर देंगे। क्लीन के अंदर होता है क्लींजिंग और वो जो स्क्रबिंग होता है और थोड़ा सा मसाज क्रीम देके हल्का सा मसाज होगा, वो 10 मिनट्स तक ही होगा, ज्यादा नहीं, 10 मिनट से कम हो सकते हैं बट उससे ज्यादा नहीं। सो एज के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, मैं बोला पहले कि एज के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। सो तो ये ऐसे ही करना होगा, फेशियल जब आप शुरू कर रहे हैं, पार्लर जब शुरू कर रहे हैं, उसके लिए ये छोटा सा जानकारी। आज मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती। सो जो क्लाइंट आपके पास आएगा आप उसको बोलिए कि जो 30 प्लस होगा उसको महीने में एक बार जरूर फेशियल कराए, क्योंकि 30 प्लस पे जो हार्मोन होता है हमारा अंदर बॉडी के अंदर वो थोड़ा सा चेंज होने लगता है। 35 के बाद ज्यादा होता है, 30 से शुरू होता है, तो आप लोग उसको बोलिए कि महीने में एक बार जरूर वो फेशियल कराएं। और 20 और ये 20 और 30 के बीच जो है उसको आप बोलिए कि आप लोग क्लीन अप कीजिए ज्यादा, और 25 के बाद फेशियल करें, बट वो महीने में एक बार। और जो 30 प्लस 30 के बाद आप लोग ये उसको बोले कि महीने में एक बार फेशियल कराए, और एक बार मतलब 15 डेज के अंदर, मतलब महीने में दो बार, एक बार फेशियल कराए और 15 डेज के बाद वो क्लीन अप कराए, तब स्किन ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइट भी रहेगा, हाइड्रेटेड भी रहेगा, अच्छा रहेगा। ये दो बार वो जो 30 प्लस करेगा तो स्किन अच्छा रहेगा, ज्यादातर दिन वो यंग रहेगा, स्किन को टाइट होगा। तो ये, और जो 20 प्लस वो महीने में एक बार क्लीन अप कराए, और सिर्फ क्लीन अप पार्लर, अभी मैं बोल रही हूँ जो बात वो आप क्लाइंट को बोलेगी के बोलेंगे के देखिए
पहले महीने में एक बार या दो बार पार्लर पे आने से स्किन अच्छा नहीं रहेगा। घर पे भी उसको कुछ करना है। क्या करना है? वो CTM करना है, क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये बात आप उसको बोलेंगे कि देखिए आप तो फेशियल महीने में एक बार कराया, ये ठीक है, मैं मसाज कर दी, ये ठीक है, ये स्किन टाइट रखेगा, ये भी ठीक है, बट आपको क्लीन रखना है स्किन को, अच्छी तरह से स्किन को क्लीन रखना है और हाइड्रेटेड रखना है, और मॉइस्चराइजर की जरूरत है। वो सब आप घर पे CTM कर सकते हैं, कर सकते नहीं, ये जरूरी है, मस्ट है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो आपके पास जो क्लाइंट आएगा, आप उसको ये बात अच्छी तरह से समझाएगा कि आप लोग घर पे CTM करो, तो एक बैलेंस होगा स्किन पे। आप मसाज तो कर दी, बट घर पे वो जाके कुछ नहीं किया, वो सिर्फ फेस वॉश लगा के छोड़ देते हैं, कोई मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करते, तो स्किन और भी ड्राई और भी कला हो जाएगा, मतलब जो स्किन में जो ग्लो था वो निकल जाएगा। तो कुछ दिन बाद वो जब लौट के आएगा फिर फेशियल या क्लीन अप करने के लिए, तब वो बोलेगा कि देखिए आप तो मेरा फेशियल कर दी, बट दो तीन दिन अच्छा रहे, एक हफ्ता अच्छा रहे, बट उसके बाद देखिए मेरा स्किन कैसे डार्क हो गया है, अच्छा नहीं, जैसे ग्लो नहीं है स्किन पे। तो ये एक बात है, आप लोग उसको बोलिए कि CTM जरूरी है, दिन में दो बार या एक, कम से कम एक बार जरूर कीजिए। सो गाइस, आज का वीडियो था छोटा सा, जानकारी फेशियल करने से पहले क्या क्या चीज आपको नॉलेज में होना चाहिए, ये छोटा सा एक वीडियो था। सो आज का वीडियो कैसा लगा, नॉलेजेबल है तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बाय, लव यू।